बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आशा डायरीज। कैसे हैं जी व्यूअर्स, इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी, लेकिन जरा मुख्तलिफ तरीके से। इंशाल्लाह आपको ये मेरा ये तरीका बहुत पसंद आएगा, घर वालों को बना के खिलाएगा वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये एक नए तरीके से मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये देख तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास अरवी है, मैंने इसको छील के जरा काट लिया। इसको मैंने अभी धोया नहीं है, इसको मैंने अभी धोया नहीं है। इसका ये मैं सालन बनाऊंगी 3 स्टेप में। ये पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें हम अरवी को धोए बगैर इसमें हम 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको हम इस तरह मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये इसको मैंने मिक्स कर लिया और अब हम इसको ढांप के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और अब आ गई जी मसाले की बारी, ग्रेवी बनाने वाली। तो इसके लिए मैंने 2 प्याज काट लिए हैं और 8-9 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं, अदरक का पीस ले लिया है, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, 3 टमाटर ले लिए हैं, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा ग्रेवी का सामान। इसके लिए मैंने पहले प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची इनको कट्ठे ग्राइंड कर लेना, ठीक है। इनको कट्ठे ग्राइंड कर लेना है और टमाटर को अलग ग्राइंड करना है, ठीक है। और इसके बाद हो गया गार्निश के लिए हमें चाहिए हरे धनिया और हरी मिर्ची, ठीक है। तो अब ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया और अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपना स्टेप 2 स्टार्ट करें। स्टेप 2 और स्टेप 3 कट्ठे स्टार्ट करें जी। स्टेप 2 में जी मैंने एक बाउल में पानी रख दिया है, ये तकरीबन 1/2 गर्म हो चुका है। अब जो मैंने अरवियों को नमक लगा के रखा था इनको अच्छी तरह मसल के मैंने वॉश कर लिया, ठीक है। और अब इनको मैं इस पानी में ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हम इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। और इसको इस तरह अब हम इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने इसको, ठीक है जी। ये हमारे बॉयल हो रही हैं और साथ में हम स्टेप 3 का स्टार्ट कर रहे हैं जी। स्टेप 3 में हम इसकी बना रहे हैं ग्रेवी। उसके लिए मुझे चाहिए ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसमें ऑयल का ऐड करूँगी, ठीक है जी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पेस्ट नहीं मोटा मोटा इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड किया, ये देखिए, ठीक है ना। अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसको भून लेंगे जी। स्टेप 2 हमारा जी ये बॉयल हो रही है अरवियाँ, और स्टेप 3 जी हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी हमारा जो था प्याज, अदरक, लहसुन, ये हमारे हो चुके हैं ब्राउन, ठीक है। अब हम इनमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 2 चम्मच ऐड करूँगी इसमें लाल मिर्च की, कुटी हुई लाल मिर्च। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन इतने ही 2 चम्मच के करीब ही हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना क्या करें, पूरा पूरा देखा करें, क्योंकि कोई चीज़ रह जाती है तो फिर वैसे टेस्टी रेसिपी नहीं बनती जैसे हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए, अदरक और सॉरी नमक, मिर्च और अदरक ऐड कर दिया। ये जो टमाटर की मैंने ग्रेवी बना कर रखी थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए हमारे अरवी भी बॉयल होना शुरू हो गई है, ये देखिए इकट्ठा कर हम उतार देंगे। और जी अब हम इसको टमाटर डाल के इसको भूनेंगे और इसमें हम अपनी बाकी की चीज़ें भी साथ साथ ऐड करेंगे जी। इसमें अब हम डालेंगे जी 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। और जी इसमें हम थोड़ा सा पानी इस तरह इसको डाल के इसको हम भून लेंगे। हाँ जी ये हमारी इसका मसाला सॉरी रेडी है। और जी हमारी अरवियाँ भी तकरीबन बॉयल हो चुकी हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब हम इसमें सुंदर रसूल के मुताबिक मैं इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी। अच्छा जी और अब हम अपनी अरवियों को चेक करते हैं। अरवियों को चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये देखिए छुरी की नोक से नहीं करना क्योंकि वो बात वैसे ही तेज होती है, बारीक होती है, अंदर चली जाती है। इसके लिए ये देखिए अरवी ले ली और इसके ऊपर हम चम्मच से इसको ये करेंगे। ये देखिए जी ये हमारी अरवी रेडी हो गई है। और अब हम इसी अरवी का चूल्हा ऑफ कर देंगे, ठीक है। और अब इसी तरह हम इसको इसमें से निकाल के ये देखिए थोड़ा सा इस तरह ऐसा करेंगे ताकि इसका पानी नीचे चला जाए। और इस तरह हम इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इसकी मसाले की आँच हम हल्की रखेंगे
और इसी तरह हम इसको इसमें ऐड कर दे जाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जी। हाँ जी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का जरूर बजाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन एक बात मैं फिर कह रही हूँ, मैं हर वीडियो में अपनी मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल के तसल्ली से देख लिया करें ताकि जो इसमें छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो हमारी रेसिपी अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हमारी कुछ ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती मेरी, 7-8 मिनट की होती है, 5-6 मिनट की होती है, तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करें। इसी तरह हमें ये सारी अरवियाँ इसमें ऐड कर लेंगे। हाँ जी, मैंने सारी अरवियाँ इसमें ऐड कर ली हैं और अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब मिक्स कर लेंगे, आराम आराम से चम्मच चलाएँगे, ठीक है। और जी अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के मसाले जी। बाकी के मसाले में हमारे पास बच गई थी जी सूखे धनिया पिसी हुई, एक चम्मच मैं वो ऐड करूंगी इसमें। और जी साथ में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाले का। और जी इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, ठीक है। हाँ जी, चाट मसाला ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, आराम आराम से हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसी तरह खुश्क खानी है मतलब बगैर हल्की हल्की ग्रेवी के, तो ऐसे आप इसको फाइनल टच दे दें, इसमें मिर्चें और जो हमने वो धनिया काट के रखी थी वो ऐड कर दें। मैं इसमें थोड़ा सा बनाऊँगी ग्रेवी ताकि ये थोड़ा वो खुली खुली नज़र आए, इसके लिए मैं तकरीबन इसमें बिस्मिल्लाह मर रही। आधा कप मैंने डाल के देखा है कि कैसे लग रही है, इसमें थोड़ा सा जी ये जी मैंने इसमें एक कप पानी का डाल दिया, ये देखिए, ठीक है जी। और अब हम इसको इस तरह दो तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पानी जो हमने डाला है वो भी पक जाए और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी हमारी अरवी की सब्ज़ी रेडी है। इसके ऊपर मैं अब धनिया और ये जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें, वो जैसे अरवी का सालन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा लेस होता है वो भी नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी ट्राई करते रहना चाहिए, नई नई रेसिपी ट्राई करते रहने चाहिए ताकि नए नए टेस्ट डेवलप हों, ठीक है। अगर आपने अभी तक सॉरी ये तो मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।